नमस्कार उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा करवाने हेतु संकल्प है आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों का हल करें जो कि प्रायिकता पे आधारित हैं। ये सारे ही प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से और विषय को बेहतर समझने के दृष्टिकोण से भी काफी जरूरी हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है एक थैले में तीन लाल और पांच गाली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादा निकालनी जाती है इसकी प्रायिकता क्या है कि यह गेंद लाल ना हो तो हमें एक थैले में जो गेंदे दी गई हैं उसमें से तीन लाल हैं और पांच काली जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि क्या प्रायिकता होगी कि लाल ना हो तो लाल ना होने की प्रायिकता हम कह सकते हैं लाल होने की प्रायिकता से एक जो है दोनों ही पूरक घटनाएं हो जाएंगी तो अगर हम इनको इस तरह से लिख लें तो मैं कह सकती हूँ कि गेंद के लाल होने की घटना को अगर मैं एक में से घटा दूं तो मुझे मिल जाएगी प्रायिकता लाल ना होने की और अब आइए एक बार ये देख लेते हैं कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है तो वो उन अनुप्रयोगों को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहां पे हमें लाल गेंद मिल रही है तो वो तीन है और कुल गेंदे कितनी है आठ तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लाल गेंद होने की प्रायिकता को घटा दें तो हमें लाल ना होने की प्रायिकता मिल जाएगी यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आठ आ गया तो इसलिए ये आठ में से तीन तो पांच बटे आठ तो अगर आप ये कहें कि पांच बटे आठ प्रायिकता है गेंद के लाल ना होने की तो ये जो कथन है बिल्कुल ही यहाँ पे अथार्थ होगा एक दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते थे कि क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास थैला था उसमें सिर्फ दो ही तरीके की गेंदे थी लाल और काली तो ये हम कह सकते हैं कि प्रायिकता लाल ना होने की बराबर हो जाएगी प्रायिकता गेंद के काले होने की और अगर आप ये निकालें कि प्रायिकता गेंद के काले होने की क्या है तो आप उसके लिए कितने संख्या लिख दीजिए अनुप्रयोग की जहां पे आपको काली गेंद मिल रही है तो वो हो गई पांच और आप उसको भाग दे दीजिए कुल संख्या गेंदों की जो कि आठ तो फिर से आपको जो उत्तर है वो एक ही मिल जाएगा पांच बटे आठ तो दोनों में से कोई भी आप विधि प्रयोग कर सकते हैं इस प्रश्न का हल करने के लिए उत्तर आपको एक ही मिलेगा चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं किसी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योगफल क्या होगा तो ये बहुत ही सरल और बिल्कुल स्पष्ट और सीधा प्रश्न है कि अगर हमारे पास दो घटनाएं हैं जो कि एक प्रारंभिक घटना और उसकी पूरक घटना है तो उनकी प्रायिकता का योगफल एक, होगा। एक पेटी में नब्बे डिस्क हैं जिन पर एक से नब्बे तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृया निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों की एक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या पांच विभाज्य एक संख्या तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके की यहाँ पे डिस्क या पेटी की बात की जा रही है तो इस प्रश्न में हमें कुछ इस प्रकार की नब्बे डिस्क दी गई हैं जहाँ पे संख्याएं एक से लेके नब्बे तक अंकित हैं हमें ये पता करना है कि दो अंकों की एक संख्या हमें मिल सकती है यहाँ से तो उसकी प्रायिकता क्या होगी तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि दो अंकों की कितनी यहाँ पे संख्याएं हैं तो कुल संख्या तो हमें मालूम है क्योंकि एक से नब्बे तक की बात की जा रही है तो नब्बे हो जाएंगी और अगर हम उनमें से देखें कि दो अंकों वाली कितनी संख्या है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ को छोड़ दू तो बाकी सारी ही संख्याएं जो हैं वो दो अंकों वाली हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नौ संख्याओं को छोड़ के यानी इक्यासी संख्याएं ऐसी हैं जो कि दो अंकों वाली हैं और इसलिए अगर हम इसे नौ से भाग दे दें तो नौ नौ और यहाँ पे दस तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा नौ बटे दस तो प्रायिकता क्या हो गई नौ बटे दस हो गई प्रायिकता अगर आप ये देखना चाहें कि क्या प्रायिकता है उन संख्याओं की जिसमें हमारे पास दो अंक है अगर हम यहाँ पे दूसरे भाग की ओर चलें तो पूछ रहे हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या का क्या आशय हुआ वो संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग हैं तो अगर हम एक से शुरू करें तो जैसे एक है एक पूर्ण वर्ग फिर दो एक पूर्ण वर्ग नहीं है तीन एक पूर्ण वर्ग नहीं है चार फिर से एक पूर्ण वर्ग है दो का इसी प्रकार से तीन का पूर्ण वर्ग नौ चार का पूर्ण वर्ग सोलह पांच का पूर्ण वर्ग पच्चीस छह का पूर्ण वर्ग छत्तीस सात का पूर्ण वर्ग उनचास आठ का पूर्ण वर्ग चौसठ और उसके बाद नौ का पूर्ण वर्ग इक्यासी तक आपको इन्हीं संख्याओं में मिल जाएंगे इसके बाद दस का पूर्ण वर्ग सौ है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं अंकित है तो कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमें पूर्ण संख्या मिली एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो यहाँ पे हमारे दूसरे भाग के लिए प्रायिकता हो जाएगी कि नौ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हमें पूर्ण संख्या मिल रही है और कुल संख्याएं हैं नब्बे तो प्रायिकता हो गई एक बटे दस तो एक बटे दस ऐसी संख्याएं हैं प्रायिकता है उन संख्याओं की जो कि पूर्ण वर्ग होंगी अगर हम एक किसी भी डिस्क को यहां से निकाल लेते हैं फिर पूछ रहे हैं कि पांच से विभाज्य होने वाली एक संख्या हमको मिल सकती है इसकी प्रायिकता बताइए तो आइए देखते हैं कि इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं और कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पांच से विभाजित होंगी तो पांच हो गई फिर दस फिर पंद्रह इस तरह से बीस और फिर पच्चीस और फिर तीस और फिर पैतीस और फिर चालीस और फिर पैतालीस और फिर पचास और फिर पचपन और फिर साठ इसके बाद पैसठ, पैसठ के बाद सत्तर फिर हमारे पास पिछहत्तर के बाद अस्सी के बाद पिचासी और फाइनली नब्बे तो ये सारी ही संख्याएं जो हैं वो पांच से विभाजित हैं और हमें निकालना है कि ऐसी संख्याएं जिन पे ये अंकित हो ऐसी डिस्क जिन पे ये संख्याएं अंकित हो उसकी प्रायिकता निकलने की क्या होगी तो इनमें से कोई भी अगर घटना घट जाती है जिसमें हम ये डिस्क निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए एक अनुप्रयोग होगा जो कि एक सार्थक अनुप्रयोग है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह ऐसे यहाँ पे हमें घटनाएं मिल गई जो कि हमारे लिए सही बैठेंगी और कुल संख्याएं हैं घटनाओं की नब्बे तो अट्ठारह बटे अगर हम नब्बे करेंगे तो हमें प्रायिकता इस घटना की मिल जाएगी जिसमें हम अगर कोई डिस्क इन डिस्क में से निकाल रहे हैं तो उनपे अंकित जो संख्या है वो पांच से विभाज्य होगी और इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा एक बटे पांच क्योंकि अट्ठारह एकम अठारह और अट्ठारह को पांच सौ बना करेंगे तो नब्बे तो इस तरह से हमने इन तीनों ही भागों का जो प्रायिकता है वो निकाल ली अगला प्रश्न देखते हैं बावन पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें तो आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक ताश की गड्डी में जो हमारे पास पत्ते हैं उनके अलग अलग समूह या उनका विभाजन किस प्रकार से है तो यहाँ पे आप एक ताश की गड्डी देख सकते हैं पूछा जा रहा है लाल रंग का बादशाह मिलने की आपके पास क्या प्रायिकता होगी तो प्रायिकता लाल रंग और बादशाह की जगह मैं यहाँ पे के लिख लेती हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि जो के पत्ता है वो ही हमें बादशाह बताता है तो लाल रंग का बादशाह यानी आपके पास चाहे पान वाला बादशाह आ जाए या ईट वाला बादशाह तो दो पत्ते ऐसे हैं जो कि हमारे लिए सही बैठेंगे और यहाँ पे कुल पत्ते हैं बावन इसलिए हमारे पास उत्तर आ गया एक बटे छब्बीस तो पहले भाग की प्रायिकता है एक बटे छब्बीस और ये हल मैंने पहले भाग के लिए किया अगर मैं दूसरे भाग की ओर बढ़ू तो हुक्म का पत्ता तो हमें प्रायिकता निकालनी है किसी भी प्रायक के पत्ते की आने की अगर हम इसमें से पत्ता निकाल रहे हैं तो आइए ये देखते हैं कि कुल पत्ते कितने हैं तो कुल पत्ते तो बावन हैं उसमें से हुक्म के कितने पत्ते हैं तो सारे ही पत्तों का जो है हम चार बराबर समूह करते हैं हुक्म पान ईट और चिड़ी में इसलिए हमारे पास तेरह पत्ते होते हैं जो हुक्म के हैं और प्रायिकता आ जाएगी एक बटे चार हुक्म का मतलब ये वाले पत्ते ये वाले पत्ते इसके बाद आइए हम तीसरे भाग की ओर बढ़े और जहां हमसे पूछा जा रहा है कि ईट की बेगम हमें मिल सकती है इसकी प्रायिकता क्या है तो ईट के लिए मैं ये वाला चिन्ह बना लेती हूँ और उसकी बेगम के लिए मैं क्यू बना लेती हूँ तो आपको क्यू चाहिए किसका ईट का तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पत्ता मिल सकता है और इसलिए उसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बटे बावन तो इस प्रश्न में मैं ये कहूंगी कि सबसे जरूरी चरण है ये समझना कि एक फिटी हुई ताश की गड्डी का जो विभाजन है जो समूहकरण है वो किस प्रकार किया गया है अगर आपको ये बात कंठस् रहेगी तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से फटाफट कर लेंगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं पासे की एक जोड़ी के एक फेक में एक युगल होने की संभावना ज्ञात करें मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम एक पासे का जोड़ा फेंक रहे हैं तो अगर एक बार हम उसे फेंकते हैं तो उसमें जो संख्याएं अंकित होंगी उनके युगल होने की संभावना क्या है पहले आप ये समझिए युगल का मतलब क्या है तो अगर आपके पास दो संख्याएं हैं और हम युगल कह रहे हैं तो उसका मतलब दोनों संख्याएं एक हों मतलब समान ही संख्याएं दोनों पासों पे हमें दिखे तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जब दो पासों या फिर पास की एक जोड़ी को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं तो क्योंकि हम दो पासों को फेंकने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे संभावनाएं हैं वो मैंने यहाँ पे अंकित कर दी यहाँ पे जो ये नीले रंग से मैंने संख्याएं लिखी हैं आप इन्हें कह सकते हैं कि आपको ये मिल रही हैं पासे एक को फेंकने से और जो गुलाबी रंग से मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं वो आपको मिल रही हैं पासे दो से तो दूसरे पासे से आपको मिल रही है ये जो गुलाबी रंग से मैंने अंकित की अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये संभावनाएं मिल रही हैं और प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें आपको एक युगुल मिले तो आपको एक युगुल मिल रहा है एक और एक का फिर मिल रहा है दो और दो का फिर मिल रहा है तीन और तीन का फिर मिल रहा है चार और चार का फिर मिल रहा है पांच और पांच का और फिर मिल रहा है छ और छे का और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कुल संख्याएं है जो हैं यहाँ पे वो कितनी है छत्तीस आप देख सकते हैं इनको गिन करके कि ये छत्तीस होगी तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सूत्र लिखा हुआ है कि अभिप्रयोग अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई वो 6 हो गई और अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो कि छत्तीस है तो इसलिए युगुल आने की प्रायिकता यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं युगुल आने की प्रायिकता छह बटे छत्तीस यानी एक बटे छ हो जाएगी तो इस प्रश्न में भी एक बार सूत्र के ऊपर यहाँ पे मान रखना काफी बड़ी बात नहीं है इन सूत्र के ऊपर क्या मान रखना ये बड़ी बात है और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इस तरह से इसको लिख करके तैयार कर लेंगे कि पहले पासे और दूसरे पासे के फेंकने पे क्या क्या संभावनाएं घटित हो सकती हैं। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं बावन पत्तों की एक अच्छी फिटी हुई गड्डी में से एक कार्ड यादृक निकाला जाता है इस पत्ते की काली रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करें तो आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक अच्छी फिटी हुई गड्डी किस प्रकार की दिखती है तो एक अच्छी फिटी हुई गड्डी हमारे पास ये है और यहाँ पे हमसे पूछा गया है ता काली रानी की तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास इस पूरी ही गड्डी में कितनी जा... काली रानिया है तो हमारे पास रानी का मतलब कि वो पत्ता जिसमें हमारे पास क्यूँ लिखा हो और काली रानी का मतलब कि दोनों में से चिड़ी और हुकुम में से कोई भी रानी काली रानी कही जाएगी तो दो काली रानियां हैं बावन पत्तों में से तो प्रायिकता हो गई एक बटे छब्बीस तो फिर से मैं यही कहूंगी कि इस सूत्र के ऊपर यहाँ पे मान रखना बड़ी बात नहीं थी ये बात समझना कि कुल पत्ते और उन कुल पत्तों में से कितनी काली रानियां हैं ये देखना ज्यादा जरूरी तो इस तरह से हम प्रयोगों को अच्छे से अध्ययन करके किसी भी दिए गए प्रश्न के लिए किसी भी घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं और मुझे आशा है मैंने यहाँ पे आपको जो भी बातें बताई आपको अच्छे से समझ आई होंगी